तो आपने कई बार सुना होगा कि सुना क्या होगा, आप भी व्रत रखते होगे क्योंकि अपने सनातन धर्म में है एक हफ्ते में एक दिन का व्रत, चाहे वो सोमवार का हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, हर दिन में कभी ना कभी कोई ना कोई व्रत रखता जरूर है हिंदू मान्यता के अनुसार। लेकिन उसके पीछे साइंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साइंस के अनुसार एक दिन हफ्ते में व्रत रखने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी क्या है, डिटॉक्स हो रही है। ठीक है, आप हफ्ते भर खा रहे हो, एक दिन आपने अपने अंदर की मशीनरी को आराम दे दिया है। उससे क्या होता है, जो आपकी जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव होके इम्प्रूव होती हैं, नई बनती हैं, जिससे कि आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, जैसे कि मतलब आप ज़्यादा उम्र में भी जवान दिखते हो सीधी भाषा में बताएं तो। या फिर ये कहें आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, साथ ही साथ आपके फैट सेल्स जो हैं वो कम होते हैं, और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप व्रत रखते हुए एक दिन का। खैर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फैट लॉस की। आज हम बात कर रहे हैं फैट लॉस विथ वाटर, पानी से आपको वजन कैसे घटाना है या पानी पी के आप कैसे वजन घटा सकते हो। सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आखिर में आपको हम बताएंगे कि आपके लिए किस तरीके से ये हेल्पफुल हो सकता है। देखो, जब आप कोई भी वर्कआउट कर रहे होते हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होते हो, जो आपकी प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी देता है जिससे कि आप अपना वर्कआउट करते हो। लेकिन प्राइमरी सोर्स जब हम कट डाउन कर देते हैं, प्राइमरी सोर्स खत्म हो जाता है, ग्लाइकोजन खाली हो जाता है, तब बॉडी आती है दूसरे नंबर पे, वो है फैट। आपके फैट को फैटी एसिड्स में तोड़ के उसको एनर्जी के रूप में यूज़ करता है। अब होगा क्या कि कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है जो भी आप खाना खा रहे हो, सब में कार्बोहाइड्रेट है। उससे कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा तभी आपको एनर्जी दे रहा है। तो जब आपने कार्बोहाइड्रेट के सोर्स को ही बंद कर दिया तो बॉडी एनर्जी के लिए, अपने काम को करने के लिए, जो भी है, सिर्फ वर्कआउट की बात नहीं, दिन भर के भी काम है, जो भी काम कर रहे हो आप, उसको करने के लिए आपकी फैट सेल्स, फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करेगी। जिससे कि होगा क्या कि आपके जितने भी फैटी एसिड्स हैं वो फैट्स को यूज़ करेंगे, जिससे आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कम होगा। लेकिन ये पानी के साथ कैसे पॉसिबल होगा कि जब भी भूख लगे आप पानी पी लो? उससे होगा क्या, देखो जब आप पानी पीते हो तो जब देखो जिसको फैट लॉस करना होता है, कहा जाता है ना कि खाना खाने के पहले पानी पी लो, तो जब आप पानी पीते हो आपका पेट ऑलरेडी फुल हो चुका है। ठीक है, आपके दिमाग को सिग्नल पहुंच चुका है कि अब पेट फुल है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपको भूख लगती है आप पानी पी लेते हो, और पानी क्या होता है, यूरिन के थ्रू चला जाता है, क्योंकि ना तो उसमें फैट है ना तो कार्ब्स है। ठीक है, अब ये किसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, किसको नहीं करना चाहिए? देखो, अगर आप किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के अंडर हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए प्रैक्टिस वेट लॉस विद वाटर की, मतलब पानी से वजन घटाने की बिल्कुल भी नहीं जरूरत है। ठीक है, आप ऑलरेडी किसी व्रत में हो या आपने दो दिन पहले किसी चीज का व्रत किया है फिर आप करना चाहो, बिल्कुल भी नहीं। आप प्रेग्नेंट हो तब भी नहीं, किसी भी मेडिकल कंडीशन में आपको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देखो, आपने कई बार सुना होगा कई सारे ऑपरेशंस होते हैं जो उसके पहले डॉक्टर कहते हैं कि आपको सिर्फ पानी पीना है, वो इसीलिए होता है आपकी बॉडी से टॉक्सिंस या फिर जितना भी चीज़ें हैं वो निकल जाएं, फ्लश आउट हो जाएं, जिससे उनको ऑपरेशन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप किसी भी मेडिकल प्रोसीजर से गुजर रहे हो तो आपको ये नहीं करना है। साथ ही साथ आप बहुत कम उम्र के हो, 12 साल से कम हो तो आपको नहीं करना है, या फिर आप बहुत 55-60 के ऊपर पहुंच गए तब आपको ये नहीं करना है। ये है 18 से लेकर 40-45 उम्र तक हो आप तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कितने दिन के लिए करना है? एक दिन, इससे ऊपर आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही दिन बॉडी में आपको चेंजेस देखने को मिलने लगेंगे। अगर आप ये सोचो कि आप सांस दो दिन तीन दिन करो, तो बॉडी को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए होता है, बॉडी को सिर्फ ग्लूकोज नहीं चाहिए होता है, बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। तो एक दिन तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू उसको करोगे तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो ग्रो करने की जगह, सॉरी, आपको वो क्योर होने की जगह फिर वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती कतई मत करना, 24 घंटे या एक दिन के अलावा ये दूसरे दिन ये प्रैक्टिस मत करना कि से पानी पी के वजन घटा रहे हो, कि एक दिन में 400-500 ग्राम घट रहा है तो फिर यही करते रहो, नहीं, फिर वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, फिर कोई मतलब भी नहीं है वजन घटाने का। एक दिन के लिए आप कर सकते हो अगर आप टोटली फिट हो, सिर्फ फैट लॉस के लिए करना चाहते हो, या फिर आपका ऐसे ही मन है। अब अभी अभी एक बहुत बड़े एक्टर की डेथ हुई है, ठीक है, उनका सॉरी बॉलर की डेथ हुई है, वो है शेन वॉर्न, उनकी भी यही प्रैक्टिस चल रही थी, वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स ड्रिंक के तहत 7 दिन के लिए रख रहे थे और हो गई मौत। तो ये मत करना यार, एक दिन से ऊपर करने की कोशिश मत करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।